Hello dear students, good morning, how are you? I hope all are well at your house. So dear students, today onwards I am going to teach you the lesson number 6 of the 12th class in the Vista's book, and the name of this lesson is On the Face of It. In this lesson we are discussing about the Mr. Lamb and Mr. Derry. Both are handicapped person, and one person is negative face and one person is negative face. दोनों जो व्यक्ति जो इसमें होते हैं उनका संसार के प्रति अपना जो स्वयं का जो रवैये जो होता है, एक का तो नकारात्मक होता है और एक का सकारात्मक होता है. एक बेचारा मिस्टर लैम्ब जो होता है वो लंगड़ा होता है, और जो डेरी जो होता है 14 साल का जो बच्चा इसके अंदर होता है वो एक उसका जो चेहरा जला हुआ होता है, क्योंकि किसी कारण एसिड उसके चेहरे के ऊपर गिर जाता है, तेजाब उसके चेहरे पर गिर जाता है, जिससे उसके जो चेहरा एक साइड का जो चेहरा बिल्कुल पूरी तरह से जल जाता है. तो वो एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं, क्योंकि एक दिन जो डेरी जो होता है रास्ते में से जा रहा होता है तो उसको एक गार्डन दिखाई देता है. तो वो सोचता है कि ये जो गार्डन है वो हमेशा खाली रहता है, और वह उस गार्डन के अंदर पहुँच जाता है. तो मिस्टर लैम्ब है उस डेरी के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है. तो आपस में क्या है, ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कैसे एक दूसरे से साथ रहते हैं, लास्ट में मिस्टर लैम्ब के साथ क्या होता है, फिर कितना इसको रिग्रेट होता है डेरी को कि मैंने इसकी दोस्ती क्यों नहीं किया. दौड़ता हुआ जाता है, अपनी मम्मी की भी बात नहीं मानता है, लेकिन दोस्ती को निभाने के लिए जाता है. तो ये लेसन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. इसके अंदर एक या दो नंबर का प्रश्न 100% बेटा आपके पास आता है फाइनल एग्जाम के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन. देखिए सीन वन कह रहा है इसमें, क्योंकि एक प्ले है ये, और प्ले के माध्यम से ये एक दूसरे को बताया गया है. देखिए यहाँ से, मिस्टर लैम्ब्स गार्डन. देर इज एन ओकेजनली साउंड ऑफ द बर्ड सॉन्ग्स एंड ऑफ द ट्री लीव्स रस्टलिंग. यहाँ पे मिस्टर लैम्ब का जो बगीचा है वहाँ से ये दृश्य शुरू किया गया है, और ये कह रहा है कि वहाँ पे प्राय पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, और जो पेड़ हैं उसके पत्ते के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है कई बार. डेरीज फुटस्टेप्स आर हेयर्स एज ही वॉकली. अब यहाँ पे जो डेरी है उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देती है कब, एज ही वॉक स्लोली, जैसे ही वो धीरे धीरे चलता है, एंड टेंटिवली थ्रो द लॉन्ग ग्रास, और हिचकते हुए लंबे घास में वो चलता है. ही प्लस वह रुकता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, और दोबारा से चलना शुरू कर देता है. He comes around a screen of the bushes. अब वो कहाँ पर पहुँचता है, जो झाड़ियाँ जो होती है उसके नज़दीक पहुँचता है. So that when Mr. Lamb speak to him, उसी समय जो श्रीमान जो लैम्ब है उससे बोलता है, is he close at hand, क्योंकि वह उसके हाथ के बिल्कुल नज़दीक होता है. एंड डेरी इज स्टार्टेड, और डेरी क्या हो जाता है भाई, हैरान हो जाता है कि ये जो गार्डन था ये बिल्कुल खाली था, तो इसमें इस व्यक्ति की आवाज़ कहाँ से आई. मिस्टर लैम्ब कहता है कि माइंड द एप्पल्स, भाई इन सेब को बचाओ. डेरी व्हाट, हु इज डैट, वो क्या है, हु इज देयर, वहाँ कौन है. मिस्टर लैम्ब कहता है कि लैम्ब्स माय नेम, मेरा नाम लैम्ब्स है. माइंड द एप्पल्स, इन सेब को बचाओ. क्रैब्स एप्पल, ये जो सेब है ये खट्टे हैं. दोज आर वाइंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू को ट्रिप. अब क्या कह रहा है कि एक हवा के झक्कड़ ने इनको किस में डाल दिया है भाई, बड़ी बड़ी घासों के अंदर, बड़ी घास के अंदर गिरा दिया है, और आप इसको क्या कर दोगे, यू को ट्रिप. ट्रिप का क्या होता है, आप अपने पैरों से इसको कुचल दोगे. डेरी कहता है कि आई देयर, मैं यहाँ, आई थॉट, मैंने सोचा, देयर वॉज एन एम्प्टी प्लेस, क्या सोचा था भाई कि ये जो जगह है ये बिल्कुल खाली है, सुनसान है. आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, देर वॉज एनी बडी देयर, कि यहाँ पे कोई था, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था इसके बारे में कि आप यहाँ पे होंगे. मिस्टर लैम्ब कहता है कि डेट्स ऑल राइट, सब ठीक है भाई, आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ. व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप क्यों डर रहे हो बॉय, लड़के आप क्यों डर रहे हो. डेट्स ऑल राइट, सब ठीक है, वहाँ सब ठीक है. डेरी के फिर कहता है कि आई थॉट, मैंने सोचा था, इट वाज एम्प्टी, कि ये खाली था, एन एम्प्टी हाउस, बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल खाली मकान. अब मिस्टर लैम्ब कहता है कि सो इट इज़, हाँ ये खाली है, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, त
तब तक खाली है जब मैं इस बगीचे में रहता हूँ, बगीचे से बाहर होता हूँ तब तक ये बगीचा खाली होता है। इट इज़ एम्प्टी, ये बिल्कुल खाली है। एंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक कि मैं अंदर नहीं चला जाता तब तक ये खाली है। इन द मेन टाइम, उसी समय, आई एम आउट हेयर, मैं यहाँ पे आता हूँ। एंड लाइकली टू स्टॉप, और यहाँ पे रुकना पसंद करता हूँ। अ डे लाइक दिस, और जो इस तरह का जो मौसम है, इस तरह का जो दिन है, ब्यूटीफुल डे, बहुत ही सुंदर दिन, नॉट अ डे टू बी इनडोर, मतलब ऐसा सुंदर दरवाजों के घर के अंदर रहने का नहीं है। डेरी पैनिक, दुख होते हुए, आई हैव गो टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। मिस्टर लैम कहता कि नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरे कारण नहीं आपको जाना होगा। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे कोई परवाह नहीं है कि इस बगीचे में कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, इसका जो गेट है वो हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, केवल तुम ही एक ऐसे लड़की हो जो इसके बगीचे की दीवार को फांद कर अंदर आए हो। डैरी कहता है एंग्री, क्रोधित होते हुए, यू आर वॉचिंग मी, क्या आप मुझे देख रहे थे? मिस्टर लैम कहता कि आई सॉ यू, मैंने आपको देखा था। बट द गेट्स ओपन, लेकिन दरवाज़ा खुला था। ऑल वेलकम्स, सभी का स्वागत है। यू आर वेलकम, आपका भी स्वागत करता हूँ। आई सिट हेयर, मैं यहाँ पे बैठता हूँ। आई लाइक सीटिंग, और मैं यहाँ बैठना पसंद करता हूँ। डैरी कहता है कि आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, कि मैं यहाँ पे कुछ चुराने के लिए नहीं आया था। मिस्टर लैम कहता है कि नो नो, द यंग लीड्स स्टील, जो छोटे बच्चे हैं वो चुराते हैं। लीड्स का अर्थ क्या होता है? लेड्स, LEDs, छोटे बच्चे। स्क्रैप द एबल्स, वो खट्टे सेब, यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो। डैरी कहता है आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, मैं केवल यहाँ पे आना चाहता था। इन टू द गार्डन, इस बगीचे के अंदर। मिस्टर लैम, सो यू डिड, इसलिए आप यहाँ पे आए थे क्या? हेयर वी आर, इसलिए हम यहाँ पे हैं। देन तब डैरी, यू डोंट नो हु आई एम। डैरी मिस्टर लैम से कहता है कि आप नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम कहता है कि अब वह एक लड़का 30 और 100, या तो 13 साल का या फिर और 14 साल का। तो डैरी कहता है कि 14, मैं 14 साल का लड़का हूँ, मेरी उम्र कितनी उम्र है भाई, 14 साल की है। बट आई हैव गो टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। गुड बाय, अलविदा। मिस्टर लैम कहता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, बट डरने की कोई बात नहीं है। जस्ट आ गार्डन, इस बगीचे के अंदर, जस्ट मी, केवल मैं। डैरी कहता है कि बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरता हूँ। पॉज रुकता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लेकिन लोग हैं वो मुझे देख कर डरते हैं, लोग मुझसे डरते हैं, मैं किसी इंसान से नहीं डरता हूँ। मिस्टर लैम कहता है कि वाई शुड डेट बी, ऐसा क्यों भाई? डैरी कहता है कि एवरी वन इज, हर कोई डरता है। इट डज नॉट मैटर, इसमें कोई परवाह नहीं है कि हु दे आर, कि वो कौन है, और व्हाट दे से, और वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और वो कैसे दिखाई देते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, और किस तरह का बहाना करते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम, सी वॉट, आप क्या देख सकते हो? डैरी कहता कि व्हाट दे थिंक, कि वो क्या सोचते हैं, मैं उनके बारे में महसूस कर सकता हूँ। डैरी, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि हेयर इज़ अ बॉय, कि यहाँ पे एक लड़का है। यू लुक एट मी, आप मुझे देखते हो। एंड देन यू सी माई फेस, और तब आप मेरे चेहरे की तरफ देखते हो। एंड यू थिंक, और तब सोचते हो, डेट्स बैड, ये बहुत बुरा है। डेट्स अ ट्रिबल थिंग्स, बहुत ही भद्दी चीज़ है। डेट्स इज द अनलिस्ट थिंग्स, बहुत ही बुरी भद्दी एवर सा, मतलब इतनी भद्दी चीज़ आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। यू थिंक, तुम सोचते हो, पुअर बॉय, प्यारे लड़के, तुम इसके बारे में सोचते हो। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ। नॉट पुअर, अंडर रहते इसके बजाय यू आर अफ्रेड, बल्कि तुम मुझसे डरते हो। एनी बडी वुड बी, हर कोई मुझसे डर सकता है। आई एम, वेन आई लुक इन द मिरर, मैं भी स्वयं अपने आप से डरता हूँ। जब मैं अपने आप को किस में देखता हूँ भाई, मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर देखता हूँ। एंड सी इट, और मैं इसको देखता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ मी, और मैं इससे डर जाता हूँ।
ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं इसी लेसन के साथ। तो आशा करता हूँ तब तक के लिए आप अपना काम सही रूप से करोगे। बाय, हैव अ गुड डे।